न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी के सदर बाजार थाने की नाक के नीचे चल रहे हुक्का कैफे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद भी कैफे के अंदर युवा पीढ़ी के आगे हुक्का परोसा जा रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो द टाउन हाउस कैफे झांसी सदर बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी और लड़कियां किस तरीके से कैफे में हुक्के के धुएं से छल्ला बनाती नजर आ रही है। इतने सख्त आदेशों के बावजूद भी द टाउन हाउस कैफे के मालिक किसके सरक्षण हुक्का बार संचालित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरी रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला बधोकर थाना क्षेत्र के रायपुर महेरी गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां लखनऊ के आलमबाग डिपो की बस बनारस से 20 सवारियों को लेकर लखनऊ जा रही थी, लेकिन आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही सवारियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें बस चालक प्रमोद उम्र 50 साल, कंडक्टर सर्वेश त्रिवेदी उम्र 55 साल और हेल्पर जिसकी उम्र 23 साल है गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। कासगंज कस्बा सोरों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बीती शाम से लापता था मृतक सुशील पुत्र भूदेव मेला ग्राउंड के बंबा किनारे सुशील का शव मिला। सूचना मिलते ही एसपी सहित तमाम फोर्स मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि हत्या कर शव को फेंका गया है। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोरों कोतवाली क्षेत्र के मेला ग्राउंड स्थित बंबा किनारे का ही पूरा मामला है। मेरा नाम सर विकास कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही जाटा मोहल्ला का रहने वाला हूँ, बदलिया। क्या मामला है पूरा आज का? सर ये चाचा जो है अम्मा के पास रहते हैं, लगभग कल 3:30 बजे से गायब, मतलब 3:30 बजे खाना देने आए थे अम्मा को, छोटे चाचा के घर से। तो वहाँ से फिर चाचा वापस लौट गए घर से, फिर उसके बाद से फिर शाम को ढूंढते रहे छोटे चाचा और भतीजे और हम लोग भी ढूंढते रहे। फिर मैं सुबह मेडिकल अपना सहारनपुर में नरौता थाना क्षेत्र के गांव कुंडम में व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देर रात वारदात को अंजाम दिया गया। कलयुगी बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर टीम के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष अमित कुमार। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार और अन्य ग्रामीणों से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोपी फरार है, तलाश जारी है। ललितपुर में जिला महिला चिकित्सालय के प्रांगण में पहला मामला नहीं है। दरअसल यहां पर दलालों की सक्रियता को आखिर बढ़ावा कौन देता है? कई ऐसे वीडियोज हैं जो वायरल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहां पर इन दलालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आखिर आला अधिकारी कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल यहाँ पर रुपए बटोरे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों से भी कमीशन के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं, मोटी रकम ली जा रही है। और आखिर कब तक इन दलालों पर रोक लगेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल। जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनकी कब्ज में आ गया है। जिला चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ती और दलालों के बीच मारपीट और गाली गलौच हुई है। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस चौकी मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला, ये घटना बढ़ने से रोकी। तो वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तब एक आशा कार्यकर्ता को अपना निशाना बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं आशा कार्यकर्ता ने बताया कि कई बार अपने और जिले के आला अधिकारी को इन दलालों के बारे में सूचित कर चुके हैं, शिकायती पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्हें जिला चिकित्सालय में आने से रोका नहीं जाता, तो हम आशा कार्यकर्ती महिला चिकित्सालय में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार भी जिले के आला अधिकारी इन दलालों को जिला चिकित्सालय में घुसने से रोक पाते हैं या नहीं। मामला जिला महिला अस्पताल का है, ये ललितपुर हॉस्पिटल है। यहाँ आए दिन यही मामला होता कि यहाँ के दलाल बहुत सक्रिय हो चुके हैं और हम आशा है कई बार डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, सीएम मैस मैडम को कई बार दलालों के बारे में बता चुके हैं और सुना भी चुके हैं, मगर इन पे कोई लगाम देने वाला नहीं है। आज मैंने एसपी साहब को स्वयं फोन लगाया है, तब भी दलालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमारी एक आशा के लिए मारपीट गई दलालों के साथ, 8 दलाल महिलाएं एक आशा का मंगलसूत्र लेके गई है, मारा है, वो यहाँ के स्टाफ से ही मिली भगत से वो दलाल पना। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत देश भर से श्रद्धालु ट्रेन और बस से अयोध्या भेजे जाएंगे। इसी क्रम में रेलवे बोर्ड ने भी देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को भगवान राम के दर्शन कराने के लिए आस्था ट्रेन का संचालन कर दिया है। सोमवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में भाजपा के महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार झांसी
प्रभारी संत विलास शिवहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई है। झांसी से 10 फरवरी को पहले चलेगी। अभी 1000 से ज्यादा सीट बुक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 1344 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस ट्रेन को गोलीकांड शहीद के माता पिता और घायल कार सेवकों द्वारा हरिजंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो इसके लिए सभी कोच में एक भाजपा कार्यकर्ता प्रमुख बनाया गया है। भोजन चिकित्सा सभी व्यवस्था से अलग अलग प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं। राम भक्त भजन कीर्तन करते हुए निकलेंगे और 12 को वापसी होगी। पहले चक्र में महानगर से 10 फरवरी को लोग जाएंगे और 13 को वापस होंगे। इसके बाद मार्च में भी हमारी तिथियां तय हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के माध्यम से निरंतरता भी बनी रहे और कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए जो तिथियां तय की गई हैं जनपद के अनुसार, उन तिथियों के क्रम में ही ये झांसी महानगर के लोग जा रहे हैं। 24 को झांसी जिला प्रबंधन करेगा और उस प्रबंधन के माध्यम से लोग जाएंगे, और हमारा ये ले जाने का क्रम बड़ा ओपन है। सभी हमारा जो तंत्र है उस तंत्र से कहा गया कि जो लोग जाने के अभी प्रथम चरण में इच्छुक है वो अपना सूचना स्वीकृत दे दें, जिससे वो रायबरेली में सिपाही को दबंगों ने लहूलुहान कर दिया। अपने ही गनर को ठेकेदार ने लहूलुहान किया। ठेकेदारी की रंजिश का शिकार हुआ सिपाही रणधीर चावड़ा। घायल सिपाही के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ठेकेदार रुपेश सिंह के मामले में भूमिका संदिग्ध सिपाही की हालत नाजुक बनी है। घायल सिपाही का रायबरेली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेठी जनपद के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। गौना में खराब मौसम और कोहरे के चलते हादसा हो गया। अनियंत्रित बस हो गई। हादसे का शिकार बाल बाल बचे यात्री। हाईवे पर खड़े टैंकर को बचाने में हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी बस, सड़क किनारे बने गड्ढे में फंस गई। बस में यात्रा कर रहे थे 60 यात्री। पुलिस ने क्रेन से बस निकलवाई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के लोलपुर में घटना हुई। सहारनपुर में समय समय पर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सहारनपुर के SSP डॉक्टर पिंताड़ा ने बताया कि पुलिस के द्वारा जनपद सहारनपुर में समय समय पर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई की जाती रही है। इसी कार्यक्रम के तहत हाल ही में 3 दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जनपदवासियों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल और बिक्री करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें समय समय पर चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। अभी हाल ही में 3 दुकानदारों के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और उनका चालान भी किया गया है। इसमें मेरी सभी सहारनपुर वासियों से निवेदन है कि पतंगबाजी अवश्य करें, परंतु इसमें चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को घायल होने और उनकी जान जाने की संभावना बनी रहती है। उचित नहीं है कि आप अपने मनोरंजन के लिए किसी के प्राणों को संकट में डालें। मेरी आप सभी से निवेदन है, आप स्वयं भी चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है तो आप तत्काल 112 पर सूचना दें। प्रत्येक सूचना का ज्ञान लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन से छछू पर होते हुए मोहिद्दीनपुर तक गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, वीडियो में देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 6 लेन बनने के बाद झज्जूपुर से मोदिनपुर माँ पश्चिमी वाहिनी धाम मंदिर तक सड़क हालत बेहद खराब है। सैकड़ों लोगों के हाथ पांव टूट चुके हैं। दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। विधायक और सांसद से BJP बूथ अध्यक्ष सहित जनता ने सड़क बनाने की मांग की थी। सड़क का डांबरीकरण न होने से राहगीरों को इसका सामना करना पड़ रहा है। नाम है भैया? मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद मिश्र, मैं मोहद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। सड़कों के हालात खस्ता है, इस पे क्या हालात? जो छज्जेपुर से मोहद्दीपुर को जोड़ती है उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बाइक ले जाना दूभर होता है। छोटे बच्चे लड़के जा करके साइकिल या बाइक या बिकली, हमारे यहाँ मापक बाजार पे मेला लगता है, और मेला लगने के बावजूद इतना ज़्यादा दिक्कत है आने जाने वाले जायरीनों को, जिसका जवाब है बहुत संपर्क मार्ग तो बिल्कुल एकदम गड्ढा युक्त हो गया, किसी बात नहीं गड्ढा युक्त हो गया। वाराणसी व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने के मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है, और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 फरवरी को एक और डेट दी है। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई
मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने जिला जज की अदालत में आवेदन दिया। ज्ञान बापी में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ अंजुमन तंजामिया ने आपत्ति दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ पर तत्काल रोक लगाने और 15 दिन के समय देने की कोर्ट से मांग की है। कोर्ट इस मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। आज ज्ञानवापी प्रकरण में गत दिवस मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 31 जनवरी के जिला जज वाराणसी के आदेश से कार्रवाई जो चल रही है और वहां पे तहखाने में पूजा पाठ इत्यादि आरंभ हो गया है, उसको स्थगन के लिए मुझे अवसर दिया जाए। 15 दिन के समय के लिए मुस्लिम पक्ष प्रार्थना दे के अवसर चाह रहा था। इस पर हिंदू पक्ष द्वारा आपत्ति की गई और कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट से के आदेश से हाई कोर्ट में। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।